चेहरे को बेदाग, गोरा और निखरा हुआ बनाने के लिए गाइस आज मैं आपके साथ जो DIY शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा इजी हैं कि आपको किचन से अवेलेबल हो जाएंगे। और ये DIY आपकी एक्टिव मार्क्स को, डार्क स्पॉट्स को, चेहरे पे चैन है, किसी भी तरह की कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है ये उसको ख़त्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो गाइस लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हो तो गाइस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी कोई DIY आपके साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराक स्किन केयर। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस DIY को घर पे बनाना बहुत ही आसान है, तो इसके लिए सबसे पहले जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। बेसन का यूज़ जो है वो पुराने ज़माने से होता आ रहा है स्किन को फेयर, बेदाग बनाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। ये चेहरे के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करके एक्ने निकलने की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। और साथ में मैंने ऐड की है थोड़ी सी टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, चेहरे पे पिंपल्स नहीं होने देती, किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्प करती है। ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत पुराने ज़माने से यूज़ होती आ रही हैं जो हमारे चेहरे को बेदाग, निखरा हुआ बनाए रखने के लिए हेल्प करती हैं। 1 टेबल स्पून आपको राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा इसमें ऐड करना है। चावल बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, वाइटनिंग इफेक्ट अगर देना हो स्किन को तो चावल बहुत अच्छा सोर्स है। तो आपको 1 चम्मच चावलों का आटा, 1 चम्मच नींबू का रस इसमें ऐड करना है और गुलाब जल की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जिनकी स्किन को नींबू सूट नहीं करता तो आप नींबू को स्किप करके उसकी जगह पोटैटो यानी कि आलू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नींबू जो है उसमें विटामिन सी होता है जो चेहरे के दाग धब्बों को और चेहरे को निखारने में हेल्प करता है। सो देखा गाइस कितना इजी है इस DIY को बनाना। अब सबसे पहले जब भी कोई DIY यूज़ करते हैं चेहरे को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद इस फेस पैक को अपने चेहरे पे अप्लाई करें। लगाने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाए, 15-20 मिनट 30 मिनट जितना टाइम ले ये सूखने के लिए, अच्छे से जब सूख जाए तो अपने चेहरे को गीले हाथों से स्क्रब करते हुए इसको रिमूव करना है। स्क्रब करने से ब्लैक एंड व्हाइटेड और डेड स्किन भी निकल जाती है, जो अनवांटेड हेयर होते हैं हमारे फेस के ऊपर उसको भी रिमूव करने में हेल्प मिलती है। आफ्टर वीक आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपको ग्लोइंग और शाइनी नज़र आएगी। इस वीडियो के रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ गाइज आपको अपनी नेक्स्ट इजी सी DIY के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।